हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू क्वेश्चन। हीट एंड वर्क आर ऑप्शन ए पॉइंट फंक्शंस, बी सिस्टम प्रॉपर्टीज, सी पाथ फंक्शंस एंड डी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हीट और वर्क हमारा क्या है? ठीक है, हीट और वर्क हमारा क्या है? पॉइंट फंक्शंस है या फिर सिस्टम प्रॉपर्टीज है या पाथ फंक्शंस है या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2010 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। ठीक है, तो हीट एंड वर्क हमारा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये हमारा पीवी डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो है फ्रॉम पॉइंट वन टू टू, फ्रॉम पॉइंट वन या फिर फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू हमारा जो है प्रोसेस हो रहा है। स्टेट वन से स्टेट टू तक हमारा जो प्रोसेस हो रहा है, इसके दौरान हमें जो वर्क ट्रांसफर मिलता है, ठीक है, इसके दौरान हमारा वर्क ट्रांसफर होता है। तो इस डायग्राम में जो हमारा वर्क ट्रांसफर होगा वह क्या होगा? एरिया। एरिया जो हमारा होगा, एरिया इक्वल्स टू फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू जो हमारा एरिया होगा वह होगा वर्क ट्रांसफर। एरिया इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर, दैट इज W12 इक्वल्स टू W फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू या फिर फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू तक जो हमारा इक्वल्स होगा वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम स्टेट वन टू टू पी डी वी। ठीक है, ये हमारा होगा वर्क ट्रांसफर। उसी तरह हम हीट ट्रांसफर में भी देखते हैं कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है फ्रॉम स्टेट वन टू टू, ठीक है, फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू के बीच जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, और ये हमारा टीएस डायग्राम है। तो हीट ट्रांसफर जो है वह होगा एरिया। एरिया इक्वल्स टू फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, ये हमारा होगा हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो क्यू वन टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एक्स फ्रॉम स्टेट वन स्टेट टू, ये हमारा होगा हीट ट्रांसफर। तो दोनों दोनों डायग्राम में हमें क्या दिखाया जा रहा है? दोनों डायग्राम से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि जो वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर जो है वह है पाथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वह किसी पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम पाथ को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो हमारा वर्क जो है और हीट है वह इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा या फिर उसका वैल्यू जो है चेंज होगा वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर का। सो यह एक पाथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, या किसी पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, या किसी पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पॉइंट पे हम हीट ट्रांसफर या फिर वर्क ट्रांसफर हम नहीं निकाल सकते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क डिपेंडेंट ऑन पाथ, इट्स नॉट ए पॉइंट फंक्शन, या किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पॉइंट। सो वर्क एंड हीट आर नॉट ए प्रॉपर्टी, और इस प्रकार जो है या कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये कोई पॉइंट फंक्शन रहता तो एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है वर्क एंड हीट, इसलिए हमारा जो है प्रॉपर्टी भी नहीं है। एंड दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि ये इन एग्जैक्ट इसलिए है क्योंकि ये पाथ पे डिपेंडेंट है, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हमारा जो होगा वर्क एंड हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू पाथ फंक्शन। आंसर ऑप्शन सी पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क आर आंसर ऑप्शन सी पाथ फंक्शन। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।